हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे पास जो कंसील वायरिंग में जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड में जो वायर होता है उसकी वायरिंग हम किस तरह से करें। यहाँ पे गाइस जो है कंसील बॉक्स का जो अंदर का जो बोर्ड होता है पीवीसी, वो मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे आप पाइप से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे वायर्स निकाल दिए। यहाँ पे जो मैंने वायर है, वायर में जो है टेप लगाया है। टेप आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेप मैंने मारा है ब्लैक कलर का, जो 2.5 mm का वायर है। ये मेरा जो यहाँ पे जो मेरा सर्किट गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सर्किट है, यहाँ पे इसका सर्किट है जो मेरा 2.5 फ्रिज और गीजर या फिर जो हैवी अप्लायंसेस उसको चलाने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया है। सो गाइस, यहाँ पे जो है मेरा सर्किट, यहाँ पे मेन सर्किट मेरा गीजर के लगा है। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है, ये मैंने एक पॉइंट दिया है ये वॉशिंग मशीन के लिए और फ्रिज के लिए। और उसके बाद यहाँ से जो मेरा फिर जो ये जो मेरा केबल है, ये आप देख सकते हैं केबल, ये मेरा उस सर्किट में डायरेक्ट गया है। सो गाइस, यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बोर्ड की फिटिंग किस तरह से करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ा है जो कि बल्ब का है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट फैन का मैंने एक पॉइंट छोड़ा है। यहाँ पे देखिए बाथरूम है, तो बाथरूम में बल्ब के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया है। सो गाइस, और यहाँ पे एक फैन है, और फैन के लिए मैंने यहाँ पे सीलिंग फैन है, उसके लिए मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया। तो गाइस, यहाँ पे जो है अगर आप वायरिंग करते हो तो यहाँ पे अगर आप वायर छोड़ दो, यहाँ पे आप एक तरह से अपने हिसाब से कलर कोडिंग कर लीजिए। मैंने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो मैंने डबल टेप मारा है, और यहाँ पे जो मेरा दोनों ब्लैक कलर का जो वायर है, ये मेरा वायर सर्किट के लिए गया जो मेरा हैवी सर्किट है उसके लिए, और उसका एक अर्थिंग का वायर है। प्लस यहाँ पे जो ये जो टेप मैंने मारा सिंगल टेप जो है उसका भी जो है बल्ब गया। ये मेरा बल्ब इसका सामने है, इसका वायर है। प्लस ये जो मेरा ये मैंने एक यहाँ पे भी एक सिंगल वायर किया लंबा किया, ये मेरा बाथरूम का है। और यहाँ पे जो छोटे वायर है मेरा एडजस्ट फैन का है। प्लस यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर में जो यहाँ पे जो दो वायर दो डबल टेप मैंने मारा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये मेरा फैन के लिए। सो गाइस, आप अपने हिसाब से जब अगर वायर आप डाले तो वायर में आप टेप लगा के आप अपने हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। तो गाइस, आपको आसानी होगा जब आप इसका कनेक्शन करेंगे, क्योंकि गाइस अगर आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पे बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप मार्किंग कर लीजिए अपने हिसाब से। सो गाइस, मैं आपको इस बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो बोर्ड मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे बोर्ड जो है मैंने पहले से रेडी करके रख चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है दो सॉकेट दो बटन के बोर्ड है 16 एम्पीयर वाले। और उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सेम बोर्ड है। प्लस यहाँ पे मेरे पास 12 मॉडल का जो मेरे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड किस तरह से रेडी करते हैं गाइज, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे किस तरह से कनेक्शन होगा, यहाँ पे जो मेरा जो वायर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे बटन्स के फेस वायर डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो बटन के ऊपर वाले टर्मिनल है वहाँ पे सारे रेड वायर जाएंगे जो कि फेस वायर होगी लोड के। लाइक अगर हमारा जैसे फैन हो गया, फैन का अगर हमें लोड डालना है तो हमें इसके ऊपर फैन का जो फेस वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो बटन अगर लाइट का होगा तो लाइट के लिए भी हम इसके अंदर इसमें कनेक्ट करेंगे। और लाइट के बाद जो एडजस्टमेंट या फिर कोई भी अप्लायंसेस सबका हम इस बटन में कनेक्शन ऊपर फेस वायर में कर देंगे। और दूसरा जो टर्मिनल यहाँ पे बसता है, लाइक अगर हमारे पास दूसरा यहाँ पे बच रहा है, ये मैंने एक जो रेड वाला वायर है वो फेस मैंने लोड का डाल दिया बटन में, तो जो दूसरा मेरा ब्लैक कलर का वायर है वो मैं जो मेरा बाहर से इनपुट आ रहा है उसके अंदर मैं सारे न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट करके मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा, बाहर के जो वायर है उसमें कनेक्ट कर दूंगा। सो गाइस, इसमें जो मेरे ने जो MCB लगाया है, यहाँ पे मैंने सिंगल पोल वाला MCB लगाया। तो यहाँ पे जो MCB का कनेक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है लोड और लाइन। तो आपको जब आप कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो अप्लायंसेस लोड में जो अगर आप जो मीटर से जो वायर लेके आ रहे हो आप इनपुट हमेशा लाइन में दीजिए, और लोड जो आपका घर का अप्लायंसेस वो लोड होता है तो आप उस तरह से वायरिंग कीजिए जैसे कि मैंने आपको किया। आप देख सकते हैं मैंने जो लोड यहाँ पे लगाया है, लोड मेरा बटन से होते हुए सारे फैंस या फिर जितने अप्लायंसेस मैं यूज़ करूँगा घर में उसके लिए मैं जा रहा है लोड। और दूसरा जो है जो जो दूसरा टर्मिनल इनपुट वो हमारा मीटर से आएगा, जो बाहर से मीटर लगा है उसके लिए आएगा। तो यहाँ पे इस बोर्ड में गाइस मैंने सिंगल पोल की MCB लगाई है, तो ये किचन का है तो सिंगल पोल का MCB इसमें इनफ होगा। और जो मेन बोर्ड हमारा रहेगा उसके में डबल पोल आप यूज़ कीजिए, क्योंकि वो हैवी लोड रहता है उसमें डबल पोल यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने सिंगल पोल का यूज़ किया है। तो गाइस, मैं यहाँ पे
सारे कनेक्शन मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ किस तरह से करना है, और मैं आपको कनेक्शन करके पूरा ऑन करके दिखाता हूँ किस तरह से होता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो मैंने जो फेस के जो वायर है मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है, जो बटन का जो फेस वायर होता है मैंने उसके अंदर कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो प्लग फेस और न्यूट्रल जो दोनों वायर है उसके मैंने सारे जो ब्लैक वायर आप देख सकते हैं, मैंने उसके ब्लैक वायर को निकाल के सभी के ब्लैक वायर को निकाल के न्यूट्रल को मैंने अलग कर लिया है, और इस सारे न्यूट्रल वायर को मैं एक में कनेक्ट करूँगा। तो सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है सारे न्यूट्रल वायर को एक में कॉमन कर लिया है, और आप भी बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वायर की ड्रेसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वायर अगर अच्छी तरह से एक तरह से सेपरेट है तो हमें चेकिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और हमें वायर भी अच्छे बोर्ड में भी वायर का कोई प्रॉब्लम आता नहीं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे न्यूट्रल के एक वायर को एक साथ कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना मैंने लोड का जो फेस का वायर है मैंने सारे बटन में अच्छी तरह से लगा दिए है। बस इतना ही सब कुछ करना है, बाकी इसमें कुछ और नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक भी वायर छूटा नहीं है, आपसे चेक कर लीजिए कि आपको कोई लोड का वायर छूटा तो नहीं है, यानी तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से अब इसको हम अच्छी तरह से अंदर डाल के वायर को, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से नट से टाइट कर देंगे, और यहाँ पे ये बोर्ड हमारा रेडी हो जाता है। यहाँ पे जो बोर्ड है हमारा ये अच्छी तरह से हो गया।